Hello friends, this is Rahul. Welcome back to CAD Stylers AutoCAD Tutorial Series. So friends, आज भी हम दो ही एक्सरसाइज करेंगे और दो एक्सरसाइज में हमारी जो पहली ड्राइंग आएगी वो है ये. ओके, फर्स्ट ड्राइंग ये है हमारे पास और सेकंड ड्राइंग हमारे पास ये आएगी. ओके, जो हमारी अभी फर्स्ट ड्राइंग है उसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले उसको बना के देख लेते हैं. देखिए, बेस से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है, एक एलिप्स आ रहा है और एक सर्कल आ रहा है. ओके, तो जो सर्कल है उसका रेडियस मेरे को और उसका डाया मेरे को 70 दे रखा है, और जो एलिप्स है उसकी डायमेंशंस क्या दे रखी है मुझे, सेंटर से लेकर एंड से एंड तक उसका जो डिस्टेंस है मुझे 100 दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे को कितना दे रखा है, 45. इट मीन्स मुझे एक सेंटर लेना पड़ेगा जिससे मुझे ये एलिप्स बना के इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस मुझे क्रिएट करना पड़ेगा 45 का, तभी मुझे ये इस तरह की शेप मिलेगी. ओके, सो उसके बाद अपसाइड में क्या है, मेरे पास 300 की लेंथ है जिसमें मेरे पास ये कुछ डायमेंशंस दे रखी हैं और ये वाली कुछ डायमेंशंस दे रखी हैं जो मेरी की के स्लॉट्स हैं सारे. तो एक्चुअल में जो ड्राइंग मेरी बनेगी फाइनल में वो इस तरह से बनेगी, ये वाली मेरी फाइनल इमेज रहेगी. ओके, सो इस तरह से हम इसे बनाएंगे. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा और एक एलिप्स बनाऊंगा और एक लाइन लेके इसे ऑफसेट कर दूंगा. कितना डिस्टेंस है मेरा यहाँ पे, 10 mm का डिस्टेंस है, तो मैं 5 mm यहाँ पे 5 mm यहाँ पे ऑफसेट कर दूंगा इसे. ओके, सो आइए इसे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मेरे पास सी एंटर 0.0, डी एंटर कितना दे रखा है 70 का, अगेन ई एल एंटर एलिप्स बनाएंगे. सो एलिप्स में मेरे पास सेंटर से डिस्टेंस दे रखा है, ये देखिए सेंटर से डिस्टेंस दे रखा है, तो मैं सेंटर से ही इसको एलिप्स को बनाऊंगा. सो सी एंटर मेरा कौन सा हो गया, 0.0 मेरा सेंटर हो गया और एंड पॉइंट हो गया मेरा 100.0. ओके, अब यहाँ पे पूछ रहा है डिस्टेंस टू द अदर एक्सिस. डिस्टेंस टू द अदर एक्सिस मेरे पास क्या हो जाएगा, 140. सो सेंटर से पिक कर रहा है तो इट मीन्स हाफ वैल्यू लूंगा उसकी मैं 70. तो जेड एंटर ए एंटर इसको अप्लाई करके देखते हैं मेरा इस तरह से इमेज बन रही है. अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, 45 का डिस्टेंस क्रिएट करना है दोनों के बीच में. ओके, सो मैं इसको किस तरह से कर सकता हूँ, या तो मैं इस एलिप्स को मूव कर दूं या मैं सर्कल को मूव कर दूं. तो मैं एलिप्स को मूव कर लेता हूँ, वो ज्यादा सही रहेगा बिकॉज सेंटर एक ही रहना चाहिए मेरा. सो मैं एलिप्स को मूव कर लेता हूँ, यहाँ पे 45 का डिस्टेंस दिखा रहा है. सो मैं अगर 70, इसका हाफ कितना हो जाएगा 70 से अगर मैं 45 माइनस करूं तो कितना बचेगा, 25. सो अगर मैं इसको 25 मूव अपसाइड मूव कर दूं तो मुझे ये चीज मिल जाएगी. ओके, सो मैं इसे मूव कर रहा हूँ, एम एंटर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर 0.0 बेस पॉइंट आ गया मेरा, और कहाँ तक मूव करना है, 0.25 तक मूव करना है. तो आप देख सकते हो ये मेरी इमेज क्रिएट हो गई है. यहाँ पे डिस्टेंस चेक कर लेते हैं एक बारी, एग्जैक्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा. सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 45. इट मीन्स हम सही कर रहे हैं. ओके, सो नेक्स्ट मेरे पास अभी क्या है, मुझे ये स्लॉट बनाना है. तो ये स्लॉट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक डिस्टेंस मेरे को दे रखा है 10 का और इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 300 mm. सो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एल एंटर, इस पॉइंट से मैं क्या करूंगा, एट द रेट 0.300. सो मेरी ये लेंथ मुझे मिल जाएगी. तो अगर इसकी डायमेंशन हम चेक करें तो ये मेरी एग्जैक्ट 300 ही होगी. ओके, सो अभी मैं इस डायमेंशन को नहीं लूंगा, मुझे डिस्टेंस क्रिएट करना है 10 mm का. तो 5 mm को मैं ऑफसेट ले लेता हूँ इस साइड और इस साइड. ओके, ये मेरा क्रिएट हो गया. अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, आप देखिए ये स्लॉट तो मेरा बन गया. अब नेक्स्ट जो मेरे पास है, यहाँ से इस पॉइंट से ये 10 mm के ऑफसेट पे और यहाँ से ये 20 mm के ऑफसेट पे है. सो मैं दोनों को क्रिएट कर लूंगा, ओ एंटर 10 mm. सो इस पॉइंट से मैं 10 mm इधर ऑफसेट कर लेता हूँ, और 20 का ऑफसेट है तो मैं दो बार इसको ऑफसेट कर लूंगा, फिर मैं सेंटर वाली लाइन को इरेज कर दूंगा. सो ई एंटर, मेरे पास मुझे ये लाइन भी नहीं चाहिए, मुझे सेंटर लाइन भी नहीं चाहिए. ओके, सो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है. सो मैं उसे एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को. ओके, सो मुझे ये चीज मिल गई. अब मेरे पास क्या है, मैं इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ. सो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अभी इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा होगा. सो यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, एक इस लोड का डिस्टेंस दे रखा है 2.88 हाइट है, और यहाँ से एक हाइट दे रखी है मेरे को 20 mm की. तो मैं एक लाइन को ऑफसेट कर दूंगा 2.88 mm और 20 mm को ऑफसेट कर दूंगा. तो यहाँ पे मैंने ऑफसेट लेना है, वो एंटर 2.88
8 mm, तो इस लाइन को मैंने ऑफसेट कर लिया. नेक्स्ट अगेन ऑफसेट 20 mm, तो इस लाइन को मैंने अगेन ऑफसेट कर लिया. ओके, अब मेरे पास क्या है, अब मुझे ये सारे स्लॉट्स बनाने हैं. यहां से अगर आपको इमेज क्लियर ना हो तो आप यहां से भी देख सकते हो, इस तरह से एक ये स्लॉट है, एक ये स्लॉट है, ये स्लॉट है, ये स्लॉट है, ये और ये स्लॉट है. ओके, तो इस तरह से मेरे पास है. तो इस स्लॉट की लेंथ कितनी दे रखी है, 70, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 10 mm. ओके, सो मैं यहाँ से एक लाइन लूंगा. अब मुझे यहाँ पे डायनेमिक ऑन करना पड़ेगा. डायनेमिक इसलिए क्योंकि मैं इंक्रीमेंट में ही काम करूंगा अभी. सो 70, 0, यहाँ से मैंने लेंथ ले ली, 0, -10. ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सिंपली ऑर्थो करके भी इसे बना सकते हो, बट मैं हमेशा क्या करता हूँ, ऑर्थो ऑफ करके ही बनाता हूँ. क्यों? बिकॉज कोऑर्डिनेट सिस्टम की आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, खासकर अगर आप सिविल के स्टूडेंट हो या फिर मैकेनिकल के स्टूडेंट हो. तो सिविल के स्टूडेंट्स के लिए भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत जरूरी है, और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत जरूरी है. जो सिविल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टेट प्रो में जरूरी है कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए सीएनसी प्रोग्राम में कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत जरूरी है. सो आप ट्राई करो, जितना कोऑर्डिनेट सिस्टम आप यूज करो उतना ही आपके लिए अच्छा है. ओके, सो मैं इसीलिए सारी ड्राइंग्स जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही बनाता हूँ. कहीं पे रेयर, बहुत रेयर चांसेस होते हैं जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट ना हो, तो वहां पे हमें दूसरा मेथड यूज करना पड़ता है. तो नेक्स्ट, अभी मेरे पास क्या है, 10 की मैंने एक लेंथ ली है. अभी मुझे ये लाइन लेनी है, जो ये वाली लाइन है. तो इस लाइन की लेंथ कितनी है मेरे पास, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 20. तो अगर मैं 70 से 20 माइनस करूँ तो ये लेंथ मेरे पास कितनी आ जाएगी, 50. तो इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग -50, 0. नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब ये वाली हाइट चाहिए मुझे. तो ये वाली हाइट 10 थी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है. तो हाइट कितनी होगी, 20. तो 0, -20. नेक्स्ट मेरे पास है ये वाली लेंथ. अब ये वाली लेंथ डायरेक्टली दे रखी है 30, तो 30, 0. नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ये वाली हाइट चाहिए. तो यहाँ से यहाँ तक कितना था, 30 था, और यहाँ से यहाँ तक 50 है. इट मीन्स ये भी डायमेंशन कितनी होगी, 20. सो 0, -20. ओके, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये वाली लेंथ. तो ये वाली लेंथ भी 30 दे रखी है, पैरेलल है. सो -30, 0. नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये वाली हाइट चाहिए मुझे. तो यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 50 थी, और यहाँ से यहाँ तक कितनी, 60 है. इट मीन्स 66 से मैं 50 माइनस करूंगा तो ये लेंथ कितनी आ गई, 16. सो 0, -16. ओके, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये वाली लेंथ. अब ये वाली लेंथ कितनी आ रही है मेरे पास, यहाँ पे इसकी डायमेंशन दे रखी है 32. सो 32 किस तरह से लूंगा मैं, ये वाली जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो आ रहा है कितना आ रहा है, 20 आ रहा है. सो 32 - 20, 12 बचा. सो ये क्या हो जाएगा, 12, 0. नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये मैंने क्रिएट कर लिया. अब ये चीज चाहिए मुझे, तो यहाँ से देखते हैं, 66 लास्ट वैल्यू थी यहाँ पे. ओके, सो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना आ रहा है, 78 आ रहा है. तो 78 से 66 माइनस किया तो कितना आ गया, 12 mm. तो नीचे भी कितना आ जाएगा, 0, -12. ओके, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब ये वाली जो डायमेंशन है ये भी 12 ही है. सो -12, 0. ओके, सो नेक्स्ट मेरे पास अभी क्या आ रहा है, मैंने ये चीज भी बना ली. अब मेरे पास ये चीज है. सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 96 - 78 कितना हो जाएगा, 18. सो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0, -18. नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये वाली डायमेंशन. तो फिर ये वाली डायमेंशन भी कितनी है, 12 है. सॉरी, ये वाली डायमेंशन आ रही है मेरे पास. तो ये डायमेंशन कितनी दे रखी है, 54. और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 था. सो 54 - 20 कितना हो गया, 34. सो 34, 0. नेक्स्ट मेरे पास क्या है, जो यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन कितनी आ रही, 108. तो 108 - 96 इट इज इक्वल टू 12. सो 0, -12. ओके, और यहाँ पे ये डायमेंशन कितनी आ रही, 54. सो -54, 0. सो ये आपका कंप्लीट हो गया.
अभी मैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ट्रिम कर लेता हूँ, मुझे ये भी नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ से ये भी नहीं चाहिए था, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। सो ई एंटर, इरेज भी कर लेते हैं, इसको मैंने इरेज कर लिया, तो ये पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया। ओके सो अब एक चीज हो रहा है इंपॉर्टेंट इसमें, ये वाली जो ब्लैक लाइन आ रही है आपके पास, जो ब्लैक एरिया आ रहा है, इसको कैसे फिल करना है। ओके जो मेरे पास ये स्लॉट आ रहा है इसको कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हैचिंग अप्लाई करते हैं। सो हैचिंग दो तरह की होती है, एक्चुअली तीन तरह की होती है, सॉलिड, ग्रेडियंट, पैटर्न। ओके तो सॉलिड में हमारे पास सिर्फ एक कलर आएगा, ग्रेडियंट में हमारे पास दो कलर आ जाएंगे, और पैटर्न में हमारे पास क्या आ जाएगा, अलग अलग पैटर्न आएंगे। जैसे ये वाला पैटर्न हो गया, नॉर्मली ये वाला पैटर्न हम सेक्शनिंग के लिए यूज करते हैं। ओके तो ये नहीं अभी हम यूज करेंगे। सो इस तरह से मैं एच एंटर अप्लाई करूंगा और उसमें सॉलिड पिक पॉइंट्स, और यहाँ पे ये देखिए मैं जैसे सेंटर क्लिक करूंगा तो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो जैसे मैंने यहाँ पे एच एंटर किया, सॉलिड पिक किया, तो आप देख सकते हो ये सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पे मैं अगेन है, तो यहाँ पे अगेन मैं हैचिंग अप्लाई करूँ, सॉलिड में चला जाऊंगा, और यहाँ पे जिस भी एरिया को आपने फिल करना है उस एरिया को आपने यहाँ पे क्लिक करना है, उस एरिया के इनसाइड पे क्लिक करना है, तो ये एरिया आपका फिल हो जाएगा। ओके तो इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अब इसके बाद फटाफट डायमेंशंस लेके देख लेते हैं, डायमेंशंस किस तरह से आ रही हैं। मेरे पास ये एक 70 का डाया है, इसके बाद डायमेंशंस है मेरे पास, तो सेंटर पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 45। ओके नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 100। सो हम बिल्कुल सही बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 400। ओके सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 300। ओके इसके बाद हमारे पास ये भी डिस्टेंस दे रखा है, सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2.88। ओके इसके बाद ये वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है, 10 mm का आ रहा है, और ये वाला डिस्टेंस भी आपका कितना आ रहा है, 10 mm का आ रहा है। अगेन ये वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है, 20 mm का आ रहा है। ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अभी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमने 70 लिया था, एग्जैक्ट आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी कितना है, 20 ही है। गुड, इसके बाद ये वाला डिस्टेंस आ गया आपका 10 का, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 30, इसी पॉइंट से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 50, अगेन यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना आ गया, 66, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना आ गया, 78, और अगेन एंटर। एक चीज यहां पे आप नोट करना, अगर आपको सेम चीज रिपीट करनी है तो आप सिर्फ एंटर अप्लाई करोगे, आपको कमांड दोबारा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहां पे बार बार सिर्फ एंटर ही प्रेस कर रहा हूं तो मेरी सेम कमांड बार बार एक्टिव हो रही है। ओके सो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 54, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 32। तो आई होप मैंने ये सारे डायमेंशंस ले लिए हैं प्रॉपर। एक बार ये ड्राइंग को देख लेते हैं कि मेरे पास सारी डायमेंशंस प्रॉपर आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं। ये डिस्टेंस मेरे पास कितना था, 20, ये भी 20, ये भी 20, 10, 10, 2.8, 70, और ये सारी डायमेंशंस आ गई, 300 की लेंथ भी आ गई मेरे पास, डाया भी आ गया, और ये सारे डिस्टेंस भी आ गए। तो हम ड्राइंग में देख लेते हैं एक बारी।
सो आप देख सकते हो इस तरह से आपकी ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये ड्राइंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट ड्राइंग है वो ये वाली है। सो इसमें देख लेते हैं हमें सबसे पहले क्या क्या चीजें दे रखी हैं और हमें किस तरह से बनाना है। ड्राइंग को समझना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके सो मेरे पास देखिए एक ये लेंथ दे रखी है, बेस से स्टार्ट करते हैं, 100 की लेंथ दे रखी है, यहाँ से एक 60 की लेंथ दे रखी है, जो ये अंदर वाला स्लोट है मेरे पास, जिसका एक कुछ एंगल दे रखा है लाइन का, और यहाँ से एक पैटर्न दे रखा है सर्कल का, जिसकी कुछ डायमेंशन यहाँ से दे रखी है 30, 20 और 15। ओके इस तरह से मेरे पास एक लेंथ दे रखी है 50 की, और इसी तरह से मेरे पास लेंथ दे रखी है 55 की। 55 का जो मेरे पास लेंथ दे रखी है सर्कल के सेंटर से दे रखी है। तो इसके बाद मेरे पास जो टोटल लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 155 आ रही है। ओके और यहाँ से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 5। इट मीन्स मैं ये अंदर वाला जो स्लॉट है वो सारा बनाने के बाद उसको ऑफसेट कर दूंगा 5 mm, तो ये सारा डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। ओके सो जिसका मेरे पास यहाँ पे रेडियस कितना दे रखे है, R10 का रेडियस 10 दे रखे है। ओके सो बाहर वाले का रेडियस 10 दे रखे है, तो अगर 5 mm ऑफसेट है तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, 5 mm का हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास 100 का लेंथ है और ये मेरे पास लेंथ कितनी आ रही है, 155। तो मैं एक रेक्टेंगल भी बना सकता हूँ और यहाँ पे जो एंगल पे लाइन दे रखी है इसमें मैं चैम्फर लगा सकता हूँ। ओके एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। सबसे पहले REC एंटर 0.0 एट द रेट सॉरी 100.155 का मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गया, जिसमें मैं चैम्फर लगाऊंगा CHA एंटर, जिसमें एंगल मेरे को दे रखा है कितना, 30 का एंगल दे रखा है आई थिंक, हाँ जी 30 का दे रखा है। और लेंथ में यहाँ पे मैक्सिमम ले लेता हूँ, लेंथ मेरे पास कितनी आ रही है, 100, और एंगल मेरे पास आ रहा है 30 का। तो मैं यहाँ से जैसे इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो इस तरह से मेरे पास ये कर्व क्रिएट हो जाएगा, चैम्फर क्रिएट हो जाएगी। ओके अब मुझे ये चीज बनानी है, तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 50.84। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, ऑफसेट लूंगा जिसका डिस्टेंस कितना, 50.84। सो अब आप देख सकते हो ये सारी की सारी जो ऑब्जेक्ट है वो एक साथ सिलेक्ट हो रहे थे, मेरे को इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा और ऑफसेट 50.84। तो ये मेरे पास ऑफसेट आ गया, इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ इस लाइन को, तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक लाइन ले लूंगा, इस ऑब्जेक्ट को दोबारा से मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं अब इसको ट्रिम कर लूंगा जो मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो आपके पास ये भी लाइन क्रिएट हो जाएगी। ओके सो इसी तरह से अभी मेरे पास और क्या आ रहा है, और मेरे पास ये वाला स्लॉट आ रहा है, तो इस स्लॉट को बना के देख लेते हैं इसमें कितना आ रहा है। डिस्टेंस मेरे पास कितना आ रहा है, 60 का आ रहा है। तो टोटल लेंथ कितनी, 100 की, 100 की लेंथ का अगर मेरे पास, तो एक तरफ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20, और दूसरी तरफ से भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20। सो अगर मैं यहाँ से एक लाइन लूँ इस पॉइंट से, तो एक्स का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20, वाई का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20, वाई का डिस्टेंस यहाँ पे दे ही रखा है। सो एक लाइन ले लेते हैं 20.20 के डिस्टेंस पे, और यहाँ पे अब ये वाली लाइन लूंगा तो 60 का डिस्टेंस है, तो ओरिजिन मेरे पास ये है, तो x का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 80। सो x का डिस्टेंस 80, y का डिस्टेंस उतना ही रहा 20। तो x का डिस्टेंस कितना रहा 80, और y का डिस्टेंस उतना ही रहा 20। ओके तो इसी के साथ अब ये वाली लाइन देख लेते हैं, तो इस लाइन का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 50 दे रखा है यहाँ से। सो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, अभी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x 80 हो जाएगा, कॉमा y कितना आ जाएगा, 50। नेक्स्ट मेरे पास अब ये लेंथ दे रखी है, तो इसका लेंथ का तो अभी मुझे नहीं पता, बट एंगल जरूर पता है, तो मैं इसमें पोलर यूज कर लूंगा, एट द रेट 100 लेस देन एंगल। अब यहाँ पे एंगल कौन सा होगा, एंगल यहाँ पे 90 से प्लस जा रहा है, 90 से प्लस 40 130, तो मैं एंगल ले लूंगा 130। ओके इसी के साथ मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ ऑर्थो ऑन करके ये चीज, तो भी आप देख सकते हो इसमें डिस्टेंस कितना दे रखा है मेरे को, 15 का रेडियस दे रखा है। तो मैं फिलेट लगा लूंगा यहाँ पे, एफ एंटर आर एंटर, और फिलेट कितनी हो जाएगी, 15 mm की। तो ये जो
दोनों के बीच में मैंने फिलेट लगाई, तो इस तरह से ये आपका स्लॉट क्रिएट हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पैटर्न क्रिएट कर लेता हूँ, ये जो सर्कल का पैटर्न है, ठीक है। तो एक सर्कल मेरे पास आ रहा है जिसका रेडियस यहाँ पे दे रखा है क्या, 5 का, 5 होल्स, 1 2 3 4 5, ये 5 होल्स है जिनका डाया 10 है, तो रेडियस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मेरे पास क्या डिस्टेंस दे रखा है इसका, आप देख सकते हो यहाँ से एक डिस्टेंस दे रखा है 35.56 का, और यहाँ से डिस्टेंस दे रखे 55 का। तो मैं एक ऑफसेट ले लूंगा 55 का यहाँ से, और 35.56 का मेरे पास एक और ऑफसेट आ जाएगा जो कि मैं यहाँ से ले लूंगा। तो ये मेरे पास सेंटर आ गया, यहाँ से मैं एक सर्कल ले लेता हूँ 5 mm का, और इसमें अभी मैं एरे अप्लाई कर देता हूँ इस ऑब्जेक्ट का, रेक्टेंगुलर एरे में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे को सबसे पहले काउंट कितने चाहिए, 2 चाहिए, और रोज भी 2 चाहिए। फेसिंग कितनी चाहिए मेरे पास, एक्स की कितनी चाहिए मेरे पास, 30, यहाँ से डिस्टेंस दे रखा है आपको, एक्स का कितना 30 दे रखा है। तो अब डायरेक्शन चेंज करनी, तो -30 वैल्यू फिल कर सकते हो, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो वाई में भी सेम, माइनस कितनी डायरेक्शन दे रखी है, 15 दे रखा है डिस्टेंस, तो -15 का डिस्टेंस आप यहाँ पे क्रिएट कर दोगे। तो आप देख सकते हो एरे आपका कंप्लीट हो गया। एस्केप कर दीजिए, जो लाइंस एक्स्ट्रा दे रखी है उसको इरेज कर दो। ओके, सो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, इन कॉर्नर्स पे फिलेट भी दे रखी है, ये दोनों रेडियस कितने 10 के और ये कितने 15 के। सो यहाँ पे देख लेते हैं अभी, F एंटर, R एंटर और 10 mm, ये चीज। ओके, सो ये F एंटर, R एंटर, 15, ये अप्लाई हो गया मेरे पास। ओके, अब इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट बनाना है, वो मुझे ये वाला स्लॉट बनाना है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या चीज दे रखी है आपके पास, आप देखो यहाँ से इस वाली लाइन से मेरे को 24.44 का एक डिस्टेंस दे रखा है सेंटर का, सर्कल के सेंटर तक का, और यहाँ से एक डिस्टेंस दे रखा है 118। सो मैं एक लाइन ले लूंगा यहाँ से, बट ये वाली लाइन का डिस्टेंस भी मुझे पता होना चाहिए, डिस्टेंस कितना है। सो ऊपर देख सकते हो आप, जो ये वाली लाइन है यहाँ से ऑफसेट डिस्टेंस कितना दे रखा है मेरे को, 90 का। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ऑफसेट कर लेता हूँ इस लाइन को 90, और इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ इस तरह से, और अब इस लाइन को मैं ऑफसेट कर लूँ 24.44 mm यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे 118 का डिस्टेंस भी देख के इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का। तो इस लाइन को भी मैं ऑफसेट कर लूंगा 118। आप देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट आपके पास आ गया है, अब इस पॉइंट से आप सर्कल ले लो 5 mm का। ओके, यहाँ पे एक चीज और दे रखी है 115, यहाँ से 115 का डिस्टेंस दे रखे है, इट मीन्स इस लाइन को मैं 3 mm ऑफसेट और कर लूंगा, तो ये भी क्रिएट हो जाएगा। सो ऑफसेट 3 mm, ये डिस्टेंस आ गया मेरे पास। ओके, सो अभी मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, 30 mm का। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 30। तो भाई आप देखिए 30 mm का किस तरह से डिस्टेंस क्रिएट करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 10, और ये जो दोनों का डिस्टेंस कितना था, 3 mm का, 118 -115, 3 mm। सो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 13। तो इसको मैं 13 mm ऑफसेट करूंगा और इसको मैं 17, तो 13 + 17 = 30। तो इस तरह से मैं इसको बनाऊंगा, वो एंटर 13, तो 13 इसको मैं डाउनवर्ड साइड करूंगा, और अगेन ऑफसेट 17 इसको मैं अपवर्ड साइड करूंगा। ओके, अब ये लाइन चाहिए मुझे, तो ये लाइन किस तरह से आएगी, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है, तो मैं यहाँ से भी इसको ऑफसेट ले लूंगा, तो ओ एंटर 10 mm, इस लाइन को भी मैं ऑफसेट कर लेता हूँ। ओके, सो अभी मुझे ये वाला कर्व बनाना है, तो ये वाला कर्व किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, फिलेट्स दे रखी है, सो 1 2 3 और 4, ये 4 हमें जो दे रखी हैं 5 mm की फिलेट दे रखी हैं। तो मैं यहाँ पे फिलेट अप्लाई कर लेता हूँ, F एंटर, R एंटर, 5 और M एंटर फॉर मल्टीपल टाइम्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज आप नोट करना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा लाइन है और वहां पे कॉर्नर में फिलेट दे रखी है, तो वो फिलेट वाली जो लाइन है और अपने आप वो ट्रिम हो जाएंगी। तो ट्रिम की कमांड भी मैंने आपको बताया भी था, ट्रिम और नो ट्रिम किस तरह से करते हैं, तो वहां से भी आप इस चीज को देख सकते हो। ओके, सो इस तरह से आपके पास, सो ये वाली जो लाइन है मेरे पास, सो इस तरह से आपके पास। ओके,
सो यहाँ पे एक चीज और है, इस लाइन को मुझे ऑफसेट भी करना पड़ेगा बिकॉज ये वाला डिस्टेंस भी मुझे दे रखा है. सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को ऑफसेट भी कर लेता हूँ, जो ये वाली लाइन आ रही है मेरे पास. एक्सटेंड कर लेते हैं इस लाइन को और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास दो जो आपके पास फिलेट लगानी है, ये वाली ये आपके पास रहे. सो फिलेट कितनी है, 2.5 2.5 की, दो फिलेट्स हैं आपके पास, एफ एंटर आर एंटर 2.5 की फिलेट्स है, एम एंटर फॉर मल्टीपल टाइम्स. सो ये आ गया आपके पास और ये चीज आ गई आपके पास. यहाँ से मैं डिस्टेंस चेक कर लेता हूँ एक बार, ये बिल्कुल सही आ भी रहा है कि नहीं. तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बिल्कुल सही आ रहा है. ओके सो ये वाली जो सेंटर लाइन है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ. अब की बार मेरे पास, मैं डिस्टेंस एक और चेक कर लेता हूँ, ये वाला जो मेरे पास आ रहा है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, तो बिल्कुल सही आ रहा है. यहाँ से भी डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, यहाँ से भी बिल्कुल सही आ रहा है. यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये भी बिल्कुल सही आ रहा है. ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, कॉर्नर्स पे फिलेट लगा लेते हैं. ओके तो ये जो कॉर्नर है इन सभी पे फिलेट लगा लेते हैं. तो फिलेट कितने की दे रखी है, 10 mm की फिलेट दे रखी है. तो अगर मेरे को अंदर वाली साइड लगानी है तो 5 mm को ऑफसेट दे रखा है, उसको मैं क्या करूंगा, 5 mm फिलेट करूंगा अंदर वाली साइड. सो एफ एंटर आर एंटर 5 एंटर फॉर मल्टीपल टाइम्स. सो ये सारी मैं फिलेट लगा लेता हूँ यहाँ पे, अगेन एफ एंटर आर एंटर एफ एंटर एम एंटर फॉर मल्टीपल टाइम्स. तो यहाँ पे हम, तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिलेट इसलिए नहीं अप्लाई हो रही क्योंकि मैंने डायमेंशन ले रखी है, तो डायमेंशन में फिलेट अप्लाई नहीं होती है. सो आप पहले फिलेट ले लीजिए, उसके बाद डायमेंशन हम ले लेंगे. ओके एफ एंटर आर एंटर एम एंटर फॉर मल्टीपल टाइम्स. सो ये आ गया आपके पास, अगेन ये आ गया, अगेन ये आ गया. अब आप देख सकते हो जब मेरे पास डायमेंशन थे वो फिलेट नहीं लग रही थी, अब फिलेट लग रही है. ओके अब मैं डायमेंशन इजीली ले सकता हूँ. ओके सो इसके पहले मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा ये जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं आपके, ज्वाइन इसलिए क्योंकि मुझे एक साथ इसको ऑफसेट करना है. सो मैं सिंगल सिंगल को ऑफसेट नहीं करूंगा, मैं ज्वाइन करके एक ही बार में 5 mm ऑफसेट कर दूंगा इस सभी को. सो आप देख सकते हो ये आ गया. अगर इसका मैं रेडियस चेक करूं तो रेडियस भी देख लेते हैं कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो मैंने 10 ही लिया था. ओके इट मीन्स हम सही कर रहे हैं. अब डायमेंशंस चेक कर लेते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डायमेंशंस कितनी आ रही है. एक चीज यहाँ पे और कर लेते हैं हम, ex डबल एंटर ये चीज. ओके सो यहाँ पे अभी बाकी डायमेंशंस भी देख लेते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डायमेंशन कितनी आ रही है, 90 आ रही है. और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 80. यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 30. यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 20. यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, अगेन 20. यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, अगेन 15. और उसके बाद आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है. ये फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेशन में आएगा क्योंकि यहाँ पे फिलेट लग चुकी है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें लेना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो इसमें एक चेक कर लेते हैं फिर भी हम, ये देखिए इस पॉइंट से आपने फिलेट लेनी है और इस पॉइंट से आपने डिस्टेंस लेना है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली आ रहा है, अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू आ रही है. ओके सो इस तरह से आप इसकी वैल्यू ले सकते हो. ओके नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 55, तो एग्जैक्ट आ रहा है. ओके नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इस सर्कल से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा था, 118, तो बिल्कुल सही आ रहा है. इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना आ रहा था, 115, बिल्कुल सही आ रहा है. और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 30, तो बिल्कुल सही आ रहा है. नेक्स्ट अब मेरे पास है रेडियस, तो मैं सारे रेडियस यहाँ पे चेक कर लेता हूँ. एक डिस्टेंस रह गया मेरा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना आ गया, 100 आ गया. नेक्स्ट मेरे पास क्या है यहाँ पे, रेडियस. तो रेडियस चेक कर लेते हैं, ये मेरे पास कितना आ रहा है, 10 का. अगेन ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, 10 का. अगेन ये डिस्टेंस कितना आ रहा है,
15 का, अगेन ये डिस्टेंस कितना आ रहा है 15 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने एंटर करके जो चीज आपको बार बार चाहिए उसके लिए आप एंटर करोगे तो वो चीज रिपीट होती जाएगी, तो आपको बार बार कमांड में जाने की जरूरत नहीं है। ये है डायमेंशंस और कमांड को रिपीट करने का एक मेथड। ओके, तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट मैंने सारी डायमेंशंस ले ली हैं। सो इस तरह से मेरी ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर ली, सेकंड एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सो आई होप आपको ये ड्राइंग्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनमें डाउट आते तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।